हमारे साथियों के बीच की बातचीत सुन रहा था। हमने दिल्ली में छोटे बच्चों के एजुकेशन के लिए तो पढ़ाई लिखाई के लिए तो काफ़ी मैं आतिशी जी जो हमारी एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनसे निवेदन करूंगा कि एडल्ट एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम का भी इंतजाम करें दिल्ली के अंदर, क्योंकि हमारे से पहले शिक्षा का बहुत बुरा स्तर था। अब आने वाली पीढ़ी जो है वो तो बहुत पढ़ी लिखी होगी, लेकिन पुराने जमाने के मेरे को अभी अध्यक्ष जी दो चार दिन पहले एक व्यक्ति मिला, वो खूब घूमता है किसी कंपनी में, काफ़ी बड़ा एग्जीक्यूटिव है, पूरे देश में काफ़ी घूमता है, कभी बंगलोर, कभी चेन्नई, कभी बम्बई, कभी कलकत्ता, कभी दिल्ली। उसने मुझे कहा कि स्लोली एंड स्लोली दिल्ली इज़ बिकमिंग द मोस्ट लिवेबल सिटी इन द कंट्री। धीरे धीरे दिल्ली जो है वो सारे शहरों को अगर आप कंपेयर करो, देश भर के सारे शहरों को, उनमें सबसे ज़्यादा लिवेबल, जीने लायक अब दिल्ली शहर बनता जा रहा है। यहाँ पे सब तरह की सुविधाएं हैं, सब तरह की चीज़ें हैं, धीरे धीरे विकसित होती जा रही हैं। ये हमारी सरकार के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि जब आम लोग दिल्ली मॉडल ने पूरे देश को एक उम्मीद दी है। दिल्ली मॉडल ने ये दिखा दिया कि एक ईमानदार सरकार क्या कर सकती है। दिल्ली मॉडल ने दिखा दिया कि एक पढ़ी लिखी सरकार क्या कर सकती है। दिल्ली मॉडल क्या है? दिल्ली मॉडल है एक पढ़ी लिखी सरकार का मॉडल, सबके विकास का मॉडल, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे इस धर्म का हो, चाहे उस धर्म का हो, चाहे इस जात का हो, चाहे उस जात का हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे युवा हो, चाहे आदमी हो, चाहे औरत हो, हर एक के विकास का मॉडल और संपूर्ण विकास का मॉडल, जिसमें सारे जीवन के सभी सेक्टर इन्वॉल्व हैं, जीरो करप्शन का मॉडल। दिल्ली मॉडल इज जीरो करप्शन का मॉडल। महंगाई से निजात पाने का मॉडल। ये केंद्र सरकार की अभी एक स्टडी आई है जिसमें ये दिखाया गया है कि पूरे देश में सबसे कम महंगाई दिल्ली के अंदर है, इन्फ्लेशन सबसे कम पूरे देश में। सारे राज्य अगर लिए जाएं तो लोगों को महंगाई से निजात दिलाने का मॉडल है, सबको अच्छी शिक्षा दिलाने का मॉडल है, सबके लिए अच्छा इलाज इंतजाम करने का मॉडल है, वर्ल्ड क्लास ट्रांसपोर्ट का मॉडल है, 24 घंटे फ्री बिजली का मॉडल है, शानदार खूबसूरत सड़कों का मॉडल है, 24 घंटे फ्री पानी का मॉडल है, साफ सुथरे आधुनिक शहर का मॉडल है। और अध्यक्ष जी, मैं जैसे अभी कई बार गुजरात गया, पंजाब जाता रहता हूँ, कई सारे राज्यों में जाता हूँ, लोग अचंभा करते हैं, अच्छा दिल्ली में ऐसे भी होता है, दिल्ली में बिजली फ्री मिलती है, अच्छा दिल्ली में हमने सोशल मीडिया पे देखा था दिल्ली में ऐसे ऐसे स्कूल हैं, दिल्ली में ऐसे ऐसे मोहल्ला क्लिनिक। लोगों को यकीन नहीं होता, पूरे देश में लोग दांतों तले उंगली दबा लेते हैं कि अच्छा ऐसे भी होता है। 75 साल के अंदर लोगों ने कभी ऐसा शासन कभी देखा ही नहीं, पहली बार लोग इस तरह का शासन देख रहे हैं, पूरे देश के अंदर लोग आश्चर्य से उंगली दबा लेते हैं। पहले दिल्ली जानी जाती थी कॉमनवेल्थ घोटाला, वो CNG किट घोटाला, आज दिल्ली जानी जाती है अपने शानदार स्कूलों की वजह से, शानदार अस्पताल की वजह से। इन लोगों ने और इनकी केंद्र सरकार ने पूरे तंत्र लगा दिया, हजारों हजारों करोड़ रुपए खर्च दिए, मीडिया को धमकाया, सब कर लिया कि किसी तरह से साबित कर दे ये घोटालों की शराब घोटाला फलाना घोटाला। जनता नहीं मान रही इनकी बात, जनता ने मना कर दिया। जनता कह रही है सबसे ईमानदार, पूरे देश में सबसे ईमानदार सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार है। जितने काम 65 साल में, आजादी के 65 साल में हुए,
उतने ही काम पिछले 8 साल में हुए, डबल, उससे डबल काम हमने करके दिखा दिए। जितने काम मैं अभी आपको सारे गिनाऊंगा, पिछले 8 साल में हमने क्या क्या काम किए, अगले साल 2 साल में हम क्या क्या काम करने जा रहे हैं। तो जो काम पिछले 65 साल में करे इन सारी पार्टियों ने मिलके, उससे डबल काम हमने 8 साल में कर दिए। और आज मैं शिक्षा और स्वास्थ्य पे बात नहीं करूंगा, वो तो सबको पता है। जब भी बात करो कहते हैं जी शिक्षा और स्वास्थ्य पे तो आपने बहुत किया, बाकियों पे क्या। आज मैं बाकी चीजों की बात करूंगा। जैसा मैंने कहा, महंगाई पे सबसे ज्यादा हम लोगों ने लोगों को महंगाई से छुट, दिल्ली में सब कुछ फ्री है, बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, इलाज फ्री, बसों में महिलाओं का सफर फ्री, तीर्थयात्रा फ्री, राशन फ्री, इतनी सारी चीजें फ्री हैं दिल्ली के अंदर। और उसके बाद भी बजट जो है वो पॉजिटिव में जा रहा है, घाटे में नहीं जा रहा। इनकी जितनी सरकारें पूरे देश के अंदर हैं, पता नहीं 3 लाख करोड़ का कर्जा, 10 लाख करोड़ का कर्जा, 5 लाख करोड़ का कर्जा, एक भी चीज फ्री नहीं। और फिर भी पता नहीं इतना भ्रष्टाचार, इतना भ्रष्टाचार। जब हमने सरकार शुरू की, बहुत सारे पुराने काम पेंडिंग थे, सिग्नेचर ब्रिज बनना था, 12 पुला, भ्रष्टाचार की वजह से, इनएफिशिएंसी की वजह से सारे पुराने काम पूरे किए। और पिछले 8 साल के अंदर 28 नए फ्लाईओवर बनाए हम लोगों ने, 28 नए। वर्ल्ड क्लास ट्रांसपोर्ट का इंतजाम किया। मैं अभी कई सारी चीजें बताऊंगा, आप तो, आपके बच्चे रहते हैं लंदन में, लंदन जाते रहते हो, और भी बहुत सारे लोग विदेशों में गए। जिस किस्म के ट्रांसपोर्ट का इंतजाम हम लोगों ने दिल्ली के अंदर किया, ऐसा बड़े बड़े दुनिया के बड़े बड़े शहरों में मिलता है। 1998 से लेके 2015 तक 17 साल हुए, 1998 से 2015 17 साल, 17 साल में मेट्रो बनी 193 किलोमीटर, मात्र 193 किलोमीटर। और 2015 से 2023 तक 8 साल में 390 किलोमीटर। हैं जी, प्रभु सब कुछ आप ही की कृपा है। ये चांद, ये सितारे, ये आसमान, ये धरती, सब कुछ आप ही की। इस सृष्टि की रचना ही 2014 में हुई थी, उसके पहले तो ये दुनिया। हम लोग जो भी काम करते हैं उनका नाम लेके शुरू करते हैं, उन्हीं का नाम लेके, तो सब कुछ आप ही की कृपा है। सबसे पहले मैं आप ही सबको नमन करता हूं। से लेके 2015 तक 17 साल में 143 मेट्रो स्टेशन बने, और पिछले 8 साल में 286 स्टेशन बने मेट्रो। आप ही 2015 तक 65 साल में 5842 बसें आईं, और आज 7379 बसें हैं। आप ही की कृपा है। महिलाओं को पूरी दुनिया के अंदर बहुत कम शहर हैं। मैं तो ये कहूंगा कि ये महिलाओं को फ्री सफर या सारे यात्रियों को फ्री सफर, ये एक बहुत एडवांस्ड कॉन्सेप्ट है कि पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम फ्री होना चाहिए। हाँ, बहुत कम देश ऐसे हैं, बहुत कम शहर ऐसे हैं दुनिया के जहां पे ये कॉन्सेप्ट है। दिल्ली उनके अंदर चुना जाता है, वो 2-4 शहर पूरी दुनिया के जो, मुझे लगता है कि शायद न्यूयॉर्क में या वॉशिंगटन में किया था, इसके पहले जर्मनी में था। 3-4 शहर हैं जहां पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री है। दिल्ली उन चुनिंदा शहरों में गिना जाता है जहां महिलाओं का सफर फ्री किया गया। और अभी तक 3 साल में 100 करोड़ टिकटें, 100 करोड़ बार महिलाएं सफर कर चुकी हैं। प्रभु आप ही की कृपा है। एक वन दिल्ली ऐप,
आप जब लंदन जाते हो तो एक फोन पे ऐप वहां पे भी होता है, कोई भी बस उसमें आप देख लो, किसी भी बस को कर लो, वो पता चल जाता है बस कहाँ पहुंची, कितनी देर में आपके स्टैंड पे आएगी। इतना शानदार ऐप दिल्ली सरकार ने बना लिया, अब आप दिल्ली की कोई भी बस आप जान सकते हो, इतने नंबर बस कहाँ पे है अभी, कितनी देर में पहुंचेगी, कहाँ पहुंचेगी, दिल्ली में वो ऐप चालू हो गया। ये भी दुनिया के चुनिंदा शहरों में है। और आज दिल्ली देश का ईवी कैपिटल, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल कैपिटल माना जाता है, ईवी कैपिटल माना जाता है। सबसे ज्यादा ईवी व्हीकल्स आज दिल्ली के अंदर बिकते हैं। इसको दिल्ली के लोगों ने इसको इतना शानदार बनाया, ईवी कैपिटल बनाया। सीवर का क्षेत्र ले लीजिए, कोई भी क्षेत्र ले लीजिए, सीवर के क्षेत्र में 2014 तक 65 साल में मात्र 227 कच्ची कॉलोनियों के अंदर सीवर की लाइन डली थी। 214 तक, 2015 तक 65 साल में केवल 227 कॉलोनियों में, कच्ची कॉलोनियों में सीवर की लाइन डली थी। 8 साल में हमने 747 कॉलोनियों के अंदर। दिल्ली के अंदर जितना सीवर निकलता है, एक मोटा मोटा एस्टीमेट है कि 750-800 MGD सीवर रोज निकलता है, उसमें से मात्र 373 MGD सीवर जो है उसकी सफाई 2015 तक होती थी, बाकी सारा नालों में बहा दिया जाता था, यमुना में जाता था। मात्र 373 MGD कौन दी जिंदाबाद, सारा प्रभु आप ही की कृपा है, हम तो साष्टांग आपके, हम तो कह ही रहे हैं कि सृष्टि की रचना ही 2014 में हुई थी, हम तो कह ही रहे हैं प्रभु जी ये चांद ये सितारे आप नहीं होते तो। तीन सौ तिहत्तर MGD STP की जो कचरा है, सीवर है, वो साफ होता था। आज 632 MGD आज 8 साल के अंदर डबल कर दिया हमने, डबल। जितना 65 साल में दिल्ली ने तरक्की की थी, पिछले 8 साल के अंदर भाई ओम प्रकाश जी अपनी तरक्की की है। जब बोल रहे थे हम सब सुन रहे थे ना जी, मैं अब क्या दिक्कत है मेरी समझ में। पानी 2015 में केवल 985 कच्ची कॉलोनियों में पानी की पाइपलाइन डली थी, आज 1671 कॉलोनियों के अंदर पानी की डबल, हर चीज में डबल। जितना विकास पिछले 65 साल में हुआ था, उतना विकास पिछले 8 साल में हुआ है। और अभी मैं दिखाऊंगा, जितना विकास पिछले 8 साल में हुआ, उतना ही विकास अगले 2 साल में होने जा रहा है। पिछले 8 साल में ये दुनिया का रिकॉर्ड है, गिनीज बुक में आना चाहिए, आपको गिनीज बुक में अप्लाई करना चाहिए, आप यूडी मिनिस्टर हैं। पिछले 8 साल में 5138 किलोमीटर पानी की पाइपलाइन दिल्ली के अंदर डाली गई, 5138 किलोमीटर पानी की लाइन। दुनिया के किसी शहर में इतने युद्ध स्तर के ऊपर पानी और सीवर का काम नहीं हुआ जितना पिछले 8 साल के अंदर। पहले 900 MGD पानी दिल्ली में बनता था, इसको अब 1000 तक लेके गए हैं, अभी मैं बताऊंगा इसको आगे कितना लेके जाएंगे। दिल्ली में अध्यक्ष महोदय, पहले कितना पानी बनता है, कितना पानी कहाँ जाता है, किस इलाके में कितना, कोई वो नहीं था, कोई वाटर मीटर नहीं था, कोई बल्क वाटर मीटर नहीं था, बस यूं ही कि वो मीटर वाला 2 चूड़ी घुमा देता था तो कहते थे इतना पानी चला गया, 3 चूड़ी घुमा देता था तो कहते थे। जगह जगह पिछले 8 साल में हमने 3000 बल्क वाटर मीटर अलग अलग पाइपलाइन में लगाए हैं, ताकि एक हिसाब तो हो कि कहाँ कितना पानी हमने भेजा। पॉल्यूशन पे इन लोगों ने, इनकी पार्टियों ने राजनीति तो खराब की थी, दिल्ली की हवा भी बहुत खराब कर दी थी इन लोगों ने, कोई कसर नहीं छोड़ी थी इन्होंने हवा खराब करने में। तो 65 साल में इन्होंने जितनी दिल्ली की हवा करी खराब, उसका हमने 2015 में आके शुद्धिकरण करना चालू किया, साफ करना चालू किया। 30% पोल्यूशन कम कर दिया पिछले 8 साल में। PM10 324 से 223 हो गया, PM2.5 149 से 103 हो गया। ये इनको समझ नहीं आएगा, ये PM10 PM2.5। पहले साल में 2016 में 26 दिन ऐसे थे जो सीवियर पॉल्यूशन, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन था,
पिछले साल मात्र 6 दिन ऐसे थे, और अध्यक्ष महोदय साल 2 साल के अंदर एक भी दिन ऐसा नहीं रहेगा दिल्ली के अंदर जो सीवियर पॉल्यूशन का। 2016 में 109 दिन थे जो अच्छे माने जाते थे, आज 163 दिन है जो अच्छे माने जाते हैं। पर कैपिटा फॉरेस्ट, पेड़ जितने हैं दिल्ली के अंदर, इतने पेड़ लगाए हमने, इतने पेड़ लगाए, आज पूरे देश में बड़े शहरों में सबसे ज्यादा पेड़ों का कवर दिल्ली के अंदर है, सबसे ज्यादा। दिल्ली में पर कैपिटा फॉरेस्ट 11.6 स्क्वायर मीटर, एक आदमी के साथ 11.6 स्क्वायर मीटर के पेड़ हैं। हैदराबाद में 10.6, बंगलुरु में 10.4, मुंबई में 6, चेन्नई में 2.6, कोलकाता में 2.6, कोलकाता में 0.1, दिल्ली में सबसे ज्यादा पेड़ दिल्ली के अंदर हम लोगों ने लगाए। पहले प्राइमरी हेल्थ का पूरा सिस्टम टूटा, मतलब टुच्ची मुच्ची इधर उधर डिस्पेंसरियां होती थी, दवाइयां मिलती नहीं थी, डिस्पेंसरियों की दीवारें टूटी पड़ी थी, छतें टूटी पड़ी थी, कोई आता नहीं था, मशीनें काम नहीं करती थी, टेस्ट होते। अब शानदार वर्ल्ड क्लास 515 मोहल्ला क्लिनिक और 4 महिला मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, 30 पॉली क्लिनिक। इन मोहल्ला क्लिनिक में साल में 2 करोड़ पेशेंट्स, हर साल 2 करोड़ पेशेंट्स मोहल्ला क्लिनिक में इलाज कराते हैं, फ्री दवाइयां लेके जाते हैं फ्री। इनमें 250 टेस्ट मुफ्त होते हैं और 165 तरह की दवाइयां मिलती हैं। मेरे को याद है अध्यक्ष महोदय, 2014 की गर्मियां 7-7, 8-8 घंटे के पावर कट लगते थे, रात को 7-7, 8-8 घंटे पावर कट लगते थे, वहां से हमने दिल्ली को संभाला था। आज दिल्ली के अंदर एक भी पावर कट नहीं लगता, 24 घंटे बिजली आती है, और उन दिनों में अगर 6000 मेगावाट का लोड हो जाए किसी दिन, तो लोड शेडिंग होती थी पूरे, कहीं ट्रांसफार्मर जल गया, कहीं तारे जल गई, कहीं कुछ हो गया, 6000 मेगावाट दिल्ली हैंडल नहीं कर सकती थी। आज पिछले साल 7695 मेगावाट, 7695 मेगावाट को दिल्ली ने हैंडल किया है, कोई ट्रांसफार्मर नहीं जला, एक भी लोड शेडिंग नहीं हुई, कोई तार नहीं जले, कोई ट्रांसफार्मर जला, एक भी लोड शेडिंग नहीं हुई। इतना शानदार बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर हमने पूरी दिल्ली के अंदर बिछाया है, सारे ट्रांसफार्मर बदले, तारें बदली, और आज दिल्ली के अंदर ट्रांसमिशन लॉसेस दुनिया में सबसे बेहतरीन है, less than 7%। आज दिल्ली तिरंगों का शहर है, 500 बड़े बड़े तिरंगे, कहीं चले जाओ आपको तिरंगे तिरंगे दिखाई देते हैं। ये तो था हमने 8 साल में क्या किया, अब हम आगे क्या करेंगे। मैं समझता हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट देने के लिए शायद ये सबसे बेहतरीन बजट पेश किया है वित्त मंत्री जी ने। 21,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा दिल्ली के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए। दिल्ली की सड़कों का ब्यूटिफिकेशन ऑलरेडी चालू हो गया है, आप लोग देख रहे होंगे जगह जगह फूल पत्ती सफाई काफी जगह चालू हो गया है, इसी को आगे लेके जाया जाएगा। लाइट्स लग रही हैं, फूल पत्ती लग रही हैं, कई जगह पेड़ पौधे लग रहे हैं, सफाई हो रही है, ऑलरेडी दिल्ली का जगह जगह चालू हो गया। 1400 किलोमीटर की सड़कें जो पीडब्ल्यूडी की है, इनका ब्यूटिफिकेशन किया जाएगा। इस ब्यूटिफिकेशन में इनके सड़कों का रिपेयर करेंगे, दोनों तरफ फुटपाथ ठीक करेंगे, सेंट्रल वर्ज ठीक करेंगे, जो पत्थर टूटे हैं वो ठीक करेंगे, सड़कों में गड्ढे हैं वो ठीक करेंगे, जो खाली जगह है वहाँ पे हरियाली लगाएंगे, रोज उनकी मैकेनिकल स्वीपिंग होगी, उनकी धुलाई, सड़कों की भी धुलाई होगी, पौधों की भी धुलाई होगी, हर 3-3 महीने में पेंट होगा, जेब्रा क्रॉसिंग की पेंटिंग, लेन की पेंटिंग। 1 साल के बाद देख लेना दिल्ली की पीडब्ल्यूडी की सड़कों पे कोई गड्ढा दिखाई नहीं देगा, नो पॉट होल इन। इससे हमें उम्मीद है, एक तो खूबसूरत बनेंगी दिल्ली की सड़कें, और डस्ट पोल्यूशन, दिल्ली में पोल्यूशन जो है 30% और कम होगा, जितना भी कम कर दिया उससे 30% और कम होगा। 29 नए फ्लाईओवर और बना रहे हैं, 28 तो हमने बना दिए, अभी दिल्ली में मेरे ख्याल से 62 या 63, टोटल 65 साल में 63 फ्लाईओवर बने। हमने 28 ऑलरेडी बना दिए पिछले 8 साल में, 29 और बनाने जा रहे हैं, तो जितना काम इन्होंने 65 साल में करा था उतना काम हमने 8-9 साल में कर दिया। 3 डबल डेकर फ्लाईओवर बन रहे हैं पूरे देश में, आज तक कहीं ऐसा नहीं हुआ, ये दिल्ली पूरे देश के लिए एक उदाहरण बनेगा।
डबल डेकर मतलब ऊपर मेट्रो चलेगी और नीचे जो है वो बसें चला करेगी रोड। 3 वर्ल्ड क्लास बस डिपो बनेंगे, जैसे एयरपोर्ट होता है। एयरपोर्ट पे आप देखते हो कितनी साफ सुथरी जगह, शानदार, ट्रॉली में लेके जाते हैं साहब, वैसा ही पूरा बस डिपो बनेगा, बस पोर्ट बनेगा, ISBT बनेंगे, जिसमें आप पूरा वैसे ही एक्सपीरियंस होगा, वैसे ही शानदार व्यवस्था होगी। 2 मल्टी लेवल बस डिपो बन रही हैं, अभी पहली बार देश में बन रहे हैं। 6 मंजिली बसें ऊपर पार्किंग होगी, 6 मंजिल तक बसों की पार्किंग होगी। मैं देख रहा हूँ, अचंभित देख रहे हैं ये लोग। दो मॉडर्न बस टर्मिनल बनेंगे, मेट्रो का फेज 4 चालू हो रहा है। 1600 इलेक्ट्रिक बसें इस बार खरीदी जा रही हैं इस साल। ये 1600 इलेक्ट्रिक बसें खरीदने के बाद दिल्ली देश का वो शहर होगा जिसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें होंगी। दो हजार पच्चीस तक दिल्ली में टोटल 10,480 बसें होंगी, जिसमें से 80% लगभग 8,200 बसें इलेक्ट्रिक होंगी। तो इस साल हम देश का वो शहर बनेंगे जिसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें हैं। 2025 में हम दुनिया का वो शहर बनेंगे जिसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें। 8,200 बसें पूरी दुनिया में किसी शहर में नहीं है। चाइना भी उठा के देख लो, चाइना में कहते हैं सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें। हम चाइना को भी पीछे छोड़ देंगे, दिल्ली चाइना को भी पीछे छोड़ देगी। 57 और ये पूरी जो प्लानिंग हम लोगों ने की है, ये कोई हैफजर्ड प्लानिंग नहीं है कि बसें खरीद ली, ये कर लिया। बसें अगर खरीदेंगे तो बसों को चार्ज करने के लिए बस डिपो चाहिए। तो 57 बस डिपो जो है उनकी इलेक्ट्रिफिकेशन दिसंबर 2023 तक पूरी हो जाएगी। और लास्ट माइल कनेक्टिविटी सबसे बड़ा मुद्दा है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी और सीमलेस ट्रैवल के लिए। इसके लिए जो मोहल्ला बस सर्विस स्कीम चालू की जा रही है, मैं समझता हूँ ये अपने आप में एक मील का पत्थर साबित होगी। अध्यक्ष महोदय, आप वहाँ जाते हो जब लंदन, वहाँ पे तो बड़े बड़े आदमी भी बसों में चलते हैं। वहाँ पे जब बस स्टैंड पे खड़े हो तो वो इलेक्ट्रॉनिक सारा आता है वहाँ पे। ऐसे 1400 बस क्यू शेल्टर बना रहे हैं पहली स्टेज में, उसके बाद सारे 1400 बस क्यू शेल्टर। वहाँ पे आप खड़े होगे, डिजिटल स्क्रीन लगा होगा कि कौन सी बस कहाँ पहुँची, कितनी देर में पहुँच रही है, पैसेंजर कितनी सीटें खाली हैं, किस बस में, सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे बस क्यू शेल्टर पे दिखाई देगी। तो दिल्ली एक मॉडर्न सिटी की तरफ बढ़ रही है, दुनिया के चुनिंदा शहरों में दिल्ली का नाम आएगा। अपने को यमुना को भी साफ करना है, तो जैसे मैंने बताया इनके टाइम पे हैं जी, अभी होएगी जी, चिंता ना करो, सारा होगा, आपकी कृपा से होगी प्रभु। तो सीवर जैसे मैंने पहले बताया 373 MGD STP 2015 में थे, आज 632 हो गए। इस 632 को बढ़ा के सीधे 890 MGD इसी साल कर रहे हैं, एक ही साल में 632 MGD से 890 MGD सीवर ट्रीटमेंट की फैसिलिटी इस साल क्रिएट की जा रही है। एक और चीज हमने देखी कि सीवर की लाइनें बिछा देते हैं लेकिन लोग कनेक्शन नहीं लेते अपने घर तक का, उसके जो पैसे लगते हैं लोग पैसे नहीं देना चाहते। तो हमने देखा जैसे पूरा ट्रांसयमुना एरिया है, 100% सीवर डाला हुआ है वहां पे, लेकिन फिर भी गंदी नालों में सीवर जा रहा है, नालियों में सीवर जा रहा है, क्यों? लोगों ने कनेक्शन नहीं ले रखे। तो अब हम जबरदस्ती कनेक्शन देंगे, पैसे नहीं लेंगे, फ्री में कनेक्शन देंगे, उनके घर के अंदर कनेक्शन देके आएंगे, पाइपलाइन जोड़ के आएंगे, उनके घर तक कनेक्शन देके आएंगे, पैसे नहीं लेंगे। 100% दिल्ली में जहां जहां सीवर की लाइनें डलेंगी, हर घर के अंदर कनेक्शन पानी का भी और सीवर का भी देके आएंगे। जैसा मैंने बताया, सीवर की पहले 2014 तक 227 कॉलोनियों में सीवर की पाइपलाइन डली थी, अब तक हमने 747 डाल दी। इस साल 747 से बढ़ा के 1317 कच्ची कॉलोनियों के अंदर सीवर की पाइपलाइन डाली है। ये जो मैं टारगेट बता रहा हूं, जो इस साल हम काम करने जा रहे हैं, जब हमारी सरकार बनी इनका 2035 तक का टारगेट था कि सारी कच्ची कॉलोनियों में सीवर 2035 तक डालेंगे, सारे दिल्ली का सीवर कनेक्शन। जो काम इन्होंने 2035 तक करना था हमने इसी साल पूरा करने जा रहे हैं हम सारे काम। 3 कूड़े के पहाड़, जब MCD में प्रभु आप ही की कृपा है,
सब आप ही की कृपा है सर। एलजी साहब, मोदी साहब, आप ही की कृपा है जी। मैं तो कह ही रहा हूँ प्रभु आपके अध्यक्ष महोदय, अभी तक एमसीडी में इनकी सरकार थी, मैंने पूरा प्लान अभी स्टडी किया एमसीडी में हमारी सरकार आने के बाद। इनके हिसाब से चलते तो 197 साल लगते इन 3 करोड़ों के पहाड़ ठीक करने में, 197 साल। आज मैं इस सदन में पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि दिसंबर 2024 तक तीनों कूड़े के पहाड़ साफ। इनके टाइम में दिल्ली को जो स्वच्छता एक वो आता है सर, इंडेक्स क्या होता है वो, स्वच्छता सर्वेक्षण दिल्ली यही कराते हैं। दिल्ली को स्वच्छता सर्वेक्षण में सबसे निचले, सबसे गंदा शहर, सबसे डर्टी सिटी का दर्जा मिलता था। मैं आपको यकीन दिला रहा हूं आज के अगले कुछ सालों के अंदर दिल्ली को सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा, इंदौर को पीछे छोड़ देंगे, इंदौर को पीछे। एमसीडी के स्कूल और अस्पतालों का बहुत बुरा हाल है, अब उसको ठीक करना चालू करेंगे जैसे हमने दिल्ली के स्कूल और अस्पताल ठीक कर दिए। महिला मोहल्ला क्लिनिक इस बार 100 और बनाने जा रहे हैं, मेट्रो के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बना रहे हैं। उससे फायदा ये होगा, लोग सवेरे सवेरे जाते हैं शाम को आते हैं तो स्पेशली नहीं जाना पड़ेगा, छोटी मोटी बीमारी है, दवाई लेनी है, टेस्ट कराना है, वहीं मेट्रो में मोहल्ला क्लिनिक होगा तो वहाँ अपना वो करा लेंगे। पानी के क्षेत्र में बहुत बड़े स्तर पे काम कर रहे हैं जी। हमारा मकसद है कि 24 घंटे साफ पानी टूटी से आना चाहिए। इसके लिए अभी 1000 MGD पानी दिल्ली में रोज बनता है, हमारा टारगेट है 2025 तक 1240 MGD पानी हम दिल्ली के अंदर अपना प्रोडक्शन करेंगे। इसके लिए मैं एक एक हफ्ते, हर हफ्ते में मीटिंग्स ले रहा हूँ पूरे दिल्ली के अंदर, अगले 3-4 महीने के अंदर हर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे, हर प्राइमरी UGR पे, हर सेकेंडरी UGR पे और हर टैपिंग पे वाटर फ्लो मीटर लग जाएगा और हमें एग्जैक्टली पता होगा, वो डैशबोर्ड पे आएगा डेली हमारे पास, हमको पता चल जाएगा कि कहाँ कितना पानी गया और कितना पानी चोरी हुआ, कहाँ चोरी हुआ, कहाँ पानी की लीकेज हो रही है। तो अध्यक्ष महोदय, ये एक पढ़ी लिखी सरकार का नतीजा है। अभी अभी मैं जब आ रहा था एक व्हाट्सएप पे आया कि इसके ये सारी काम इसलिए हो पा रहे हैं क्योंकि एक पढ़ी लिखी सरकार है, हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, और एक अनपढ़ सरकार है उसका क्या नारा है, घर घर नाली घर घर गैस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। बनेगा पकौड़ा, बनेगी चाय, स्कूल अस्पताल भाड़ में जाए। आम आदमी से मन की बात और अपने भाई से धन की बात। वाह रे शासन तेरा खेल, ईमानदार को हो गई जेल। सदस्य से प्रार्थना है, माननीय सदस्यगण, बजट को पास करना है, अनुदानों की मांगे वर्ष 2